देंगे लास्ट परफॉर्मेंस में. साहिर अली बग्गा आएगा, आएगा पोस्टर में जो जो था वो सब आएंगे, वो मौजूद भी है यहाँ पे. पॉइंट्स निकल जाएंगे, फेसबुक पे लाइव देख लेना. अहमद उमेर भाई बस जल्दी जल्दी एक दफा उमेर के लिए तालियां बजाएं, इतना अच्छा साउंड बनाया है उसने. मैं तो चाहता हूं बग्गा भाई को आवाज आनी चाहिए, पता चले कितना इंतजार कर रहे हैं हम लोग. नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी अहमद जान से. सबसे पहले कराची के जितने आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करेंगे, कराची वालों. उसके बाद हम जाएंगे लाहौर. लाहौर जाने से मुराद है कि साहिर अली बग्गा आके परफॉर्म करेंगे, अली अजमत आके परफॉर्म करेंगे. वैसे हम लाहौर भी जा रहे हैं 10, 11, 12 फरवरी को पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल हमारा हो रहा है. आप में से जो लोग आ सकते हैं आ जाओ, वहां भी मुलाकात करते हैं, मजा आएगा. सलीम अबीब के पॉइंट से आओगे, गुड गुड. के यू वाले हो, अच्छा इतने सारे आगे बैठे हुए, एक बेचारा के यू पीछे अकेला खड़ा हुआ यूं कर रहा है. कितने लोग हैं के यू से? अच्छा के यू तो ठीक है, कहना मुझे ये चाहिए कराची से कितने लोग हैं? अब भी 25-30 हाथ नहीं उठे. क्या हैदराबाद से आए हुए आप लोग? बेहतरीन हो गया. वैसे भी ये पाकिस्तान यूथ फेस्टिवल है, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम पाकिस्तान यूथ फेस्टिवल है. एक दफा अहमद शाह साहब के लिए तालियां बजाएं, जो पिछले इतनी मैं बताऊं, मैं दिन रात डांट खाता रहा उनसे, दिन रात. बस वो वजह ये थी कि ये फेस्टिवल कामयाब हो रहा है. आपके सामने एक बार भरपूर तालियां प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह साहब के लिए. अहमद शाह साहब लव है, बिल्कुल लव है. Thank you.
क्या बात है विक्की. सब ऑन हो गया. बुला लूं? बुला लूं? अभी नहीं बुला रहा मैं. ओके साथ मिलके बोलेंगे अहमद जानते. अजान के लिए 5 मिनट रुकना. बाकी सब सेट हो गया ना? सब ऑन है. हेलो 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 हेलो. जी किन को नजर नहीं आ रहा? लेट क्यों आए वो लोग? ओके तो बुला ले. आपकी भरपूर तालियां अहमद जहांजेब के लिए. तालियां बहुत कम है. Oh,
Love.
अभी अजान होने वाली है 10 मिनट या 5 मिनट, अजान का जरा प्लीज ख्याल रखिएगा। हाँ जी 5 मिनट है, सबसे पहले मैं यहाँ बैठे हुए सब तमाम जितने इतनी भरपूर तादाद में आर्ट्स काउंसिल में पार्टिसिपेशन होती है आप सब लोगों की, मैं तो कहता हूँ हमारा अगर बस चले तो हम रोज आके आप लोगों के लिए गाएं, जिस तरह आप लोग शौक से सुनने आते हैं। और इसका सारा जो ताज है ना वो एक शख्स के सर पे जाता है, सामने बैठे हैं अहमद शाह साहब के लिए जोरदार तालियां सर, अल्लाह आपको सलामत रखे। जो आप कर रहे हैं ना ये हमारे नस्ल जो हमारी जनरेशन है जो म्यूजिक करना चाहते हैं और जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती, मैं आपको हमेशा बार बार कहता हूँ सर 10 मिनट निकालें आपसे बैठ के बात करनी है, वो यही है कि सर इस तरह यही मेला यही रौनक लगती रहे आर्ट्स काउंसिल में। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा इसी आर्ट्स काउंसिल से एक बच्चा निकलेगा और इंशाल्लाह पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगा और हम उनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। एक गाना करते हैं बीच में तो दिल तम तनी दरे तम तनी दरे तम तनी दरे याद है तम तनी दरे तम तनी दरे तुम्हारे हैं कहो एक दिन तुम्हारे हैं कहो एक दिन के जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है आया था ना तो मैं इतना नीचे थे हम लोग के आपस में बातचीत कर सकते थे, मगर आ जाओ यार यहीं पे आ जाओ तुम ये नहीं यार बहुत ऊंचे है डाल ढूंढिए सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं जिन्हें तुम शाख सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं ओ कहो कहो एक दिन अगर सब कुछ ये मेरा है
तो सब कुछ बख्श दो एक दिन वजूद अपना मुझे तुम दे दो मोहब्बत दो एक दिन मेरे हाथों पे अपने हाथ रख कर रूह खींच लो एक दिन मिनट का नमाज का वफा लेते हैं आप लोग एंजॉय कर रहे हैं सब ये बात एक वफा लेते हैं पांच मिनट का नमाज के बाद फिर वापस शुरू हेलो
हेलो तो स्टार्ट करें फिर से शोर करके बताएं स्लो पे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे सब मिलके गाएंगे कोई फरियाद दिल में दबी हो जैसे बल्कि अंतरे से लेते हैं अंतरे से लेते हैं हर मुलाकात पे महसूस यही होता है ओ हर मुलाकात पे महसूस यही होता है ओ जानबा हो जैसे जागते जागते उम्र कटी हो जैसे हो जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे तुम्हें दिल लगी मोहब्बत की राहों में आ तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे
कभी दिल किसी से लगा तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे कभी दिल किसी से लगा कर दो Yeah.
Next. मतलब इंतजार खत्म